सो हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, क्या हाल है? होपफुली सब अच्छे होंगे और तैयारी जोरों शोरों से शुरू करने लग गए होंगे आप, या कर चुके होंगे। और जो बच्चे भाई नहीं कर रहे, हाँ जी आप ही से बात कर रहा हूँ मैं, जो तैयारी नहीं कर रहा भाई, क्यों नहीं कर रहे तैयारी? आप स्टार्ट कर दो अब सी सेट के लिए, क्योंकि अब समय आ चुका है, अगस्त आ चुका है ऑलमोस्ट। क्योंकि ये 2-3 महीने वाला सिलेबस नहीं है अब, क्योंकि 2023 में जो आया ना, जैसे नंबर सिस्टम मैं करवा रहा हूँ, आप अगर देख रहे हैं टॉप 5 सीरीज में मैं किसी एक का एक ही पार्ट करवाता हूँ, जैसे टाइम एंड वर्क था तो एक ही करवाया, बट नंबर सिस्टम का दूसरा क्यों पार्ट है आपको पता है? अच्छे से पता होगा जिसने पेपर दिया है, या जिसने पेपर देखा है, या जो डरा हुआ स्पेशल उसने, तो भाई उसको तो नंबर सिस्टम की सारी कहानी पता होगी। कि पिछले बार का जो पेपर आया 23 का, जो भी हुआ एग्जाम, उसमें क्या था? उसमें जो मेरा नंबर सिस्टम था ना, उसी के 20 से ज्यादा क्वेश्चन थे ऑन एन एवरेज। अगर मैं 20 क्वेश्चन भी मान के चलूँ ना, तो ऑलमोस्ट 80 में से 20, 50 नंबर का तो नंबर सिस्टम था, क्योंकि 2.5 नंबर का क्वेश्चन है ना। बस वहीं पे हालत ख़राब थी सबकी, कि नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम, और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी साथ में, उसको भी करेंगे अच्छे से डिस्कशन। बट क्या नंबर सिस्टम इतना डराने वाला था? देखो मैं एक ही बात मानता हूँ स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम के 20 से 21 या 22 क्वेश्चन थे मैक्सिमम, इतने थे, 20 अराउंड अगर लगा के चलो, तो क्या जरूरी था 20 के 20 क्वेश्चन को करना? खुद सोच के देखो, इट्स अ वैलिड पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, कि क्या 20 के 20 क्वेश्चंस करना मजबूरी थी? लिखा था कमीशन ने कहीं पे कि भैया 20 के 20 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के करने ही करने, कुछ भी हो, यहाँ पे आप लोग गलत थे, कोई ज़रूरी नहीं था। जो स्मार्ट बच्चा था ना, उसने क्या किया, उसने सिर्फ वही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए नंबर सिस्टम के जो कर सकते थे, उसको क्वेश्चन को स्किप करना आता था। मैंने एक थोड़ी दिन पहले वीडियो में ही बताया कि क्यों स्किप क्वेश्चंस को करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ आ गई बात? सो दीज आर की फैक्टर्स जो आपको आगे लेके जाएंगे। देखो नंबर सिस्टम की वेटेज 2020 से बड़ी है मेरे पास, है ना, आपको तो 20 के बाद तो नंबर सिस्टम का अच्छा खासा पूछने लग गया, प्लस एलसीएम एचसीएफ, प्लस आपका कोर जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, 3-4 टॉपिक अच्छे पूछते हैं। बट वट अबाउट रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स? अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50% डेटा अगर सिर्फ एप्टीट्यूड का है ना, क्योंकि इंग्लिश और रीजनिंग का भी आधा है, 15 से 20 क्वेश्चन उनके आते हैं पर टॉपिक, 15 ही आ रहे हैं, 13 से 15 इसके अपना रीजनिंग के, और 20 से 25 क्वेश्चन अपने इंग्लिश के, 25 से 26 है ना, तो बचे 40 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के हैं। इसका मतलब अगर 100 नंबर का एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है, ऑलमोस्ट 50%, अगर 20 नंबर सिस्टम है तो 20 अदर भी तो हैं, उसको क्यों नहीं देखते आप लोग? कहीं नहीं लिखा यूपीएससी ने कि हम सी सेट में नंबर सिस्टम से हर बार इतने क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ ट्रेंड फॉलो ज़रूर हो रहा है, मैं मानता हूँ आपके पास से फुली एग्री हूँ, बट लिखा कहीं नहीं हुआ, मेरी बात ध्यान से सुनो। तो याद रखो, नंबर सिस्टम का हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको करने की ज़रूरत है। बाकी टॉपिक्स को भी साइमल्टेनियसली कवर करना है तो आपके पहाड़ जितना सिलेबस है करने के लिए, और वो 2-2.5 महीने में नहीं होगा, समझ आ गया बात? बिकॉज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं। एंड मैं यहाँ पे हूँ, पूरी अभिमन्यु IAS की टीम है सी सेट की, जो आपके साथ अब जुड़ी हुई है। कैसे? लेट मी टेल यू समथिंग, आप बच्चों की डिमांड पे, जो हमारे पास ऑलरेडी स्टूडेंट्स थे या जो नए स्टूडेंट आ रहे थे सी सेट के लिए, सर सी सेट कैसे करें, एंड में नहीं होगा, तो हमने एक अर्ली बैच स्टार्ट किया है सी सेट का। अभी ज़्यादा लेक्चर्स नहीं हुए हैं, एडमिशन स्टिल ओपन, फ्यू सीट्स आर अवेलेबल, ठीक है। टाइमिंग्स क्या रहेंगी स्टूडेंट उसकी, मैं आपको डिटेल में बता दूँ एक एक चीज़ इस बैच की। टाइमिंग्स रहेंगी बेटा 3 से 4:30, 3 से 4:30 लिखा हुआ है, बट मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है 5 बजे तक जाता है, क्योंकि लास्ट के 30 मिनट में आप लोगों के डाउट्स लेता हूँ, और वो भी बिल्कुल डेप्थ में जाके, कि क्यों ये क्वेश्चन ऐसा था और ऐसा नहीं हुआ, क्लियर। हफ्ते में 4 दिन आपकी क्लासेस होंगी, टोटल 180 से ज़्यादा लेक्चर्स हैं, 180+ लेक्चर्स वी आर प्रोवाइडिंग यू इन दिस बैच। अब 180 लेक्चर्स को भी हमने डिवाइड किया, कैसे? 90 लेक्चर तो आपको लाइव बैच में मिल रहे हैं, 90 जो लेक्चर्स हैं वो लाइव बैच में आपको मिल रहे हैं, जिसमें से 50 क्वांट के हैं, 25 लॉजिकल के, और 15 क्या है आपके पास, इंग्लिश के लेक्चर है स्टूडेंट, क्लियर। प्रीवियस ईयर कितने लेक्चर्स हैं आपके पास, 15 लेक्चर मिल रहे हैं, ये लेक्चर तो आपको लाइव मिल रहे हैं। और अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आपका कॉलेज का टाइमिंग होगा है ना, तो अगर आप ये क्लास ना देख सके, वट इज़ द स्पेशल फीचर, दिस बैच इज ऑल्सो अवेलेबल इन ऑनलाइन फॉर्म, तो आप इसको ऑनलाइन देख सकते हैं, जिसकी रिकॉर्डेड क्लास आपको साथ के साथ पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी, समझ आई बात? प्रीवियस ईयर के 15 लेक्चर्स हैं,
एमसीक्यू के 50 प्लस लेक्चर्स मिलेंगे आपको। और जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है ना, एक डेडिकेटेड मेंटरशिप नहीं मिलती। यहाँ पे क्या है, 30 प्लस लेक्चर आपके डेडिकेटेड मेंटरशिप के हैं स्टूडेंट, 30 से ज़्यादा लेक्चर आपके पास मेंटरशिप के हैं। सो दीज आर की फैक्टर्स ऑफ दिस ब्रिलियंट बैच। ये जीरो टू हीरो वाला बैच है, क्योंकि अगर जल्दी आपने सी सेट को स्टार्ट किया ना, तो आपको प्रैक्टिस के लिए इनफ टाइम मिलेगा, ठीक है। और बिना आपकी जीएस की प्रिपरेशन को हार्म किए कोई आपको छेड़ना कुछ नहीं पड़ेगा। क्लास लगाइए, घर जाके आधा घंटा दीजिए, डेट विल बी इनफ फॉर यू, क्लियर। क्योंकि प्रैक्टिस शीट भी मिल रही है आपको साथ में, डेली 10 से 12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट मिलती है, एंड दीज आर क्वालिटी क्वेश्चंस, क्लियर। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द आवर लेक्चर। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो होपफुली आपको लेक्चर की सारी डिटेल पता चल चुकी होंगी, किस हिसाब से आपको लेक्चर डिलीवर होंगे और क्या बैच की टाइमिंग्स है और जो भी आपके पास फॉर्मेट रहने वाला है। क्वेश्चन इज, इफ ईच ऑफ द टू नंबर्स 5^16 एंड 5^25 आर डिवाइडेड बाय 6, द रिमाइंडर आर R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे करेंगे। देखो, अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम नहीं पता ना, या आपको नहीं पता कैसे निकालना है क्वेश्चन, तो बहुत मुश्किल है, फिर आप स्किप करेंगे इस क्वेश्चन को। इजी क्वेश्चन है, देखो क्या दिया कि 5^16 है आपके पास, ठीक है, एंड 5^ क्या आपके पास 25। इसको मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ और इसको भी मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 6 से। तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर R1 है और यहाँ पे रिमाइंडर क्या है R2, ठीक है, R1 R2। अब ध्यान से सुनिए, अब देखो ये क्या है मेरे पास, 6 - 1^16 6। अब 6 से 6 किया कैसे जाएगा, बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है, बिकॉज ये बहुत डेप्थ की बात है, फिर बता डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, ये -1^16 कितना आ गया, 16 / 6। तो यहाँ से R1 कितना आ गया आपका, ये -1 क्या है, इवन है, तो ये आएगा 1/6। तो R1 कितना आ गया आपका, R1 = 1, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये नंबर क्या है, 6 - 1 6 - 1^25 / 6। अब देखिए 6 गया, ये कितना बचा, -1^25 / 6। देखो ये पावर इवन थी तो माइनस को प्लस में बदल देगा, बट ये ऑलरेडी ऑड है, तो कितना आएगा -1/6, और ये कितना बचेगा, 6 - 1 = 5। तो R1 के R2 कितना हो गया आपके पास, R2 हो गया आपका 5। होपफुली क्लियर होगा, क्लियर, होपफुली ये क्लियर होगा आपको। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है बेटा R1 + R2 / R2। तो R1 कितना है मेरे पास, 1 + 5 / 5, तो ये कितना हो गया, ऑप्शन नंबर शायद ए है मेरे पास, 6/5, क्लियर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बट यू मस्ट नो द रिमाइंडर थ्योरम एज वेल, क्लियर। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ टुडेज क्लास। देखिए, व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 3627 सो दैट द नंबर इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 5, 6 and 8। देखो, अगर किसी नंबर को 4, 5, 6 and 8 से डिविजिबल होना है, तो फर्स्टली आई हैव टू फाइंड आउट इट्स एलसीएम। सबसे पहले इस नंबर का एलसीएम निकालो। देखो 4 क्या है मेरे पास, 2^2। 5 क्या है, 5^1। 6 क्या है मेरे पास, 2 × 3। एंड 8 क्या है मेरे पास, 2³। इट्स दैट क्लियर। अब देखिए एलसीएम क्या आएगा, 2³ × 3 × 3^1 × 5^1। तो एलसीएम कितना आ गया, 120। इसका मतलब अगर वो नंबर कोई नंबर है तो वो 3627 डिवाइड करेगा, है ना। इसका मतलब ऐसे करो, देखो 3627 / 120। सो भाई कितने में गया, 3 times गया, कितने में गया, 360 कितना बचा, 27। इसका मतलब 27 में मैं कितना जोड़ूं कि मेरे पास 120 बने, बिकॉज डिविजिबल चाहिए, तो आंसर इज प्लस, क्योंकि जब 27 को 120 बनाऊंगा जब भी तो डिविजिबल होगा, तो आंसर इज कितना मेरे पास, ऑप्शन नंबर है 93। तो ये इजी क्वेश्चन था, बट यू मस्ट नो द एक्यूरेट मेथड टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट
इज द सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 400 एंड 500 सच दैट व्हेन दे डिवाइडेड बाय 6 12 एंड 16 लीव नो रिमाइंडर। देखो सबसे पहली बात, वो नंबर का मुझे सम निकालना और रेंज दे दी मुझे क्या 400 से 500 कि भाई एक नंबर तो 400 है और दूसरा नंबर क्या है कि इन नंबर्स के बीच में वो नंबर होने चाहिए जो 6 12 और 16 से पूरी तरह से क्या होंगे डिवाइड। तो 6 12 16 सो नंबर जब भी डिविजिबल वाली बात हो ना तो क्या ले लो इसका एलसीएम, 6 कितना आएगा 2 गुना 3 2 स्क्वायर 4 गुना 3 एंड 2 रेस्ट पावर ऑफ 4 क्लियर। तो बेटा ये कितना आ गया मेरे पास, सो ये आ गया मेरे पास एलसीएम लो इसका 2 रेस्ट पावर 4 इंटू 3 तो क्या 48 एलसीएम आ गया। ठीक है 48 एलसीएम आ गया। अब कैसे जाना है इसका मतलब, वो नंबर 500 से छोटा तो डेफिनेटली होगा, 400 से बड़ा होगा, तो 500 से छोटा नंबर कौन सा है जो 48 से डिविजिबल होगा, 48 इंटू ऑफ 10 कितना हो गया, एक नंबर कितना आ गया 480 आ गया। यूज योर माइंड, हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट बट वी हैव टू बी इन अ रोल अप्रोच, वी नीड अप्रोच। सो नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है मेरे पास इससे पिछले 48 इंटू ऑफ 9 तो इसमें से 48 माइनस कर दोगे 432 हुआ, सो 2 1 सो क्या 912 आ गया मेरे पास ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, सी सही है भाई, बताओ क्या दिक्कत है इसमें। सो कुछ क्वेश्चंस हटके हैं बट आसान है, दीज आर इजी क्वेश्चंस। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो भैया पसंद आ रहा है लेक्चर, पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ 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 शेयर द वीडियो बिकॉज यहाँ पे कुछ अलग मिल रहा है आपको। ठीक है चलिए, 847 इंटू 385 इंटू 675 इंटू 3025 इज इक्वल टू 3a इंटू 5b इंटू 7c इंटू 11d देन वैल्यू ऑफ ab माइनस cd, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, व्हाट इज द अप्रोच टेल मी, व्हाट विल बी द अप्रोच टू डू दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज सेइंग वी हैव 4 नंबर्स इन लेफ्ट हैंड साइड एंड 4 नंबर इन राइट हैंड साइड, इट इज आई 3 रेस टू पावर ए, दिस हैज टू बी 3 रेस टू पावर ए, दिस इज 5 रेस टू पावर बी, जहां तक मुझे लग रहा है ये बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं हो सकता, और 11 रेस टू पावर डी होगा ये, सो प्लीज स्टेटमेंट को ठीक कर लीजिएगा। सॉरी ठीक है, तो ए बी सी डी इसकी पावर्स में है ना कि ये ऐसे है। ठीक है देखो, अब 847 नेक्स्ट है 385 नेक्स्ट है 6 75 और नेक्स्ट है 30, ये मेरे पास 4 नंबर्स गिवन है और राइट हैंड साइड पे पावर्स का खेल चल रहा सारा, इसका मतलब क्या मैं ये कहूं कि लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन बनेगा जो राइट हैंड साइड पे आई कैन कंपेयर दैट, यस इजंट इट, यस। तो देखो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, देखो 847 अगर आप ध्यान से देखो, इस 847 को 8 7 15 15 माइनस 4 11, इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है पूरे तरीके से। सो 847 है क्या मेरे पास, अगर मैं इसे 11 से डिवाइड करूं कितना आएगा 77 आएगा, तो ये कितना है 11 गुना 7, तो क्या ये ऐसे है 11 गुना 7 एक्चुअली, सो 847 इज 11 इंटू 7 इट मीन्स 11 रेस टू पावर 2 इंटू 7 रेस पावर 1, बिकॉज मुझे क्या करना है कंपैरिजन करना, तो पावर्स को कंपेयर जब ही कर पाऊंगा जब मैं पावर्स में लेके जाऊंगा उसे। देखो 385 है, 5 से डिविजिबल है 385, ये कितना होगा मेरे पास 5 से करूँ 5 सत्तर 35 और 5 सत्तर 35, तो ये कितना 5 गुना 7 गुना 11, याद रखिए इस नंबर को, 3 इनिशियल प्राइम नंबर्स का आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है 5 इंटू 7 इंटू 11 रेस्ट पावर 1 1 1 क्लियर। अगेन 675
देखिए 675, तो जब मैं इसे 5 से डिवाइड करूँगा कितना आएगा, 13 पंजे 65 और 2 बचा 35, 5 गुना 135 यानी 5 गुना 27 गुना 5। मैं छोटे छोटे फैक्टर्स में तोड़ रहा हूँ इसको, मैंने कोई बड़ी वो नहीं की कैलकुलेशन अभी तक, ठीक है जी। तो ये कितना हुआ, 5 का स्क्वायर और ये क्या है, 3 का क्यूब, ठीक है जी, 5 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, लास्ट बचा 3025। ये नंबर भी मुझे 5 से डिविजिबल लग रहा है पूरी तरीके से, 3025। तो 5 से करोगे इसे कितना आएगा, 5 605, ठीक है जी। नेक्स्ट कितना आएगा, 120, ये कितना आएगा, 5 गुना 121 और गुना 5, तो ये कितना आएगा, 5 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर, ठीक है जी। ये मेरे पास मेजर फैक्टर्स बन गए इसके, बिकॉज विदाउट फैक्टराइजेशन दिस क्वेश्चन को करना बहुत इम्पॉसिबल सही है। कोई एक्सेप्शनल तरीका हो तो मैं कह नहीं सकता, बट विदाउट फैक्टराइजेशन इट इज़ ऑलमोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना है, देखो अगर मैं बेसिकली देखूँ इसे, ये कितना है, 11 का स्क्वायर इंटू 7^1 इंटू ऑफ 5^1 7^1 11^1, ठीक है जी। नेक्स्ट है मेरे पास 5 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 स्क्वायर 11 स्क्वायर। बेसिकली हुआ क्या, देखो मेरे पास सबसे छोटी पावर कौन से, 3, तो 3 का क्यूब लिखो इंटू ऑफ, ये मैंने यूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद 5 आया, 5 की पावर 1 2 3 4 5, इसको काट दो जो मैंने यूज कर लिया, 5 की पावर 5 इंटू 7 की पावर कितनी आ रही है, देखो 1 2 7 की पावर 2 इंटू 11 की पावर कितनी है, देखो 2 3 4 5। तो अगर मैं कंपेयर करूं, 3 की पावर a है इंटू 5 की पावर b है इंटू 7 की पावर c है इंटू 11 की पावर d है, तो मेरे पास a कितना आया, 3, b कितना आया, 5, c कितना आया, 2 और d कितना आया, 5। प्लीज़ नोट कीजिए इसको, जल्दी से नोट करें इसको, आगे चलेंगे फिर। अब मुझसे क्या पूछ रहा है वो, ए बी माइनस ऑफ सी डी, क्योंकि फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम के लिए, मैं भी बता दूं आपको। तो ये क्या आएगा मेरे पास, ए बी माइनस ऑफ सो ए कितना है मेरे पास, 3 इंटू 5 माइनस ऑफ सी कितना है, 2 इंटू 5, तो ये कितना आ गया, 15 माइनस 10 कितना आ गया, 5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर। सो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था फैक्टराइजेशन का आपका, क्लियर है, नोट कर लिया होगा होपफुली। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका डिविडेंड का, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 द रिमाइंडर इज 2, कि अगर किसी नंबर को 3 से मैंने भाग दिया तो 2 बचा मेरे पास, ठीक है। द रिमाइंडर इज 2, अगेन व्हेन द क्वोशंट इज डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर इज 5, ये क्या हो रहा है। देखो पहले समझो क्वेश्चन क्या क्या रहा है, लैंग्वेज क्या क्वेश्चन की। देखो अगर मैंने ऐसे किया, देखो सपोज करो ये मेरे पास 12 है, ठीक है, इसको मैं 2 से डिवाइड करना चाह रहा हूँ, 6 टाइम जाएगा, ठीक है जी। ये समझो पहले कि खेल क्या चल रहा है, कि क्वेश्चन में मुझसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। देखो ये 2 मेरे पास क्या होता है, 2 क्या इसको डिविजर बोलते हैं, ये क्या होता है, डिविडेंड, और ये 6 क्या होता है मेरे पास, मेरा कोशंट।
ये समझो। और यहाँ पे जो बचेगा वो क्या होगा, रिमाइंडर। पहले इस खेल को समझो कि एग्जामिनर आपको बता क्या रहा है, क्या बता रहा है, उसके बाद एक क्वेश्चन होगा। ऐसे नहीं है कि मैंने किया और हो गया। देखो वो ये क्या कह रहा है, अब सबसे पहले ना मुझे ये क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। ये क्या दिया है, व्हेन द क्वेश्चन इज डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर इज पी। देखो इसका मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 द रिमाइंडर इज 2। सपोज करो नंबर मेरे पास एक्स था, ठीक है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3, इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, पी टाइम्स जा रहा हूँ, बट उसने इस पी की भी खासियत बता दी मुझे। उसने क्या बोला है कि पी क्या है मेरे पास, व्हेन द क्वेश्चन डिवाइडेड बाय 7 यानी 7 टाइम्स के प्लस 5, यानी अगर मैं इसको देखूं ये क्या आएगा यहां पे 7 के प्लस 5 और रिमाइंडर कितना है 2, रिमाइंडर कितना है 2, इसका मतलब ये क्या है 3 टाइम्स ऑफ 7 के प्लस 5 और इनको माइनस करने पे कितना आ रहा है 2, यानी नंबर क्या होगा कि x में से अगर मैं 3 टाइम 7x प्लस 5 को माइनस करूं तो कितना आएगा 2, तो मेरे पास x क्या होगा मेरा 2 प्लस 3 टाइम ऑफ 7x प्लस ऑफ 5, ये मेरे पास मेरा नंबर निकला। इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट गया था, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी था, क्लियर। सो प्लीज़ गो लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल फॉर इस तरह की वीडियोज, इस तरह के क्वेश्चन, क्लियर। अब देखिएगा क्वेश्चन इज सेइंग, नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द ओरिजिनल नंबर इज डिवाइडेड बाय 21। ये मेरे पास ओरिजिनल नंबर आया स्टूडेंट, यानी इसको खोलते हैं जरा, 2 प्लस कितना आएगा 21x प्लस ऑफ 15, यानी कितना आएगा 21x प्लस 17, इसको किससे डिवाइड करना है बेटा 21 से, तो इसको लिखूंगा कैसे मैं, 21x बटे 21 प्लस 17 बटे 21, काट दीजिए कितना आया मेरे पास 17, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये मेरे 5 आज धमाकेदार क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के, खासकर लास्ट वाला क्वेश्चन और ABCD वाला भी, दीज आर 2 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास माइक्रो कोर्सेज, व्हाट आर माइक्रो कोर्सेज आप बताएं, मतलब मैं ही बताऊं सारी चीज़ें आप मत बताओ, है ना। माइक्रो कोर्स क्या है, माइक्रो कोर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट जहाँ पे आप पूरा कोर्स ना लेके ना छोटे से आपके अपने टॉपिक पे भी काम कर सकते हैं, जैसे आपको सिर्फ नंबर सिस्टम करना हो, ठीक है, जैसे आपको सिर्फ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और फुल कोर्स का भी डिस्क्रिप्शन, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले चूज एग्जाम करेंगे, हो जाएगा CSET, ठीक है, वीडियो कोर्सेज ऑल सब्सक्रिप्शंस टेस्ट कोर्सेज एंड वीडियो कोर्सेज, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर जाएगा, आप कॉल मी या व्हाट्सएप अरेंज करवा सकते हैं, क्लियर। और यहाँ पे क्या है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस पर सारे के सारे इंफॉर्मेशन आते हैं रिगार्डिंग आपके एग्ज़ाम, क्लियर। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या, देखिए यहाँ पे टॉपिक वाइज भी दिया हुआ है, ठीक है, जैसे मैथ एंड मेंटल एबिलिटी की अगर मैं बेटा बात करूँ पूरा बंडल 3367 का है, डोंट बाय, नहीं खरीदना तो कोई बात नहीं, बट अगर आप जैसे नंबर सिस्टम को फोकस कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन दिखाए इंटरेस्टिंग मुश्किल क्वेश्चन थे, तो ऑलमोस्ट 21-22% क्वेश्चन जो हर साल नंबर सिस्टम से पूछे जा रहे हैं, 16-20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अकॉर्डिंगली दिस, सिर्फ और सिर्फ 324 रुपीज़ में, ठीक है, जिसके अंदर आपके 10 लेक्चर्स हैं, 9 वेब नोट्स और 421 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए स्टूडेंट आपको, क्लियर। जैसे सिंप्लीफिकेशन की बात करें, ठीक है, बोर्ड मास, फ्रैक्शन, डेसिमल, स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट्स, क्यूब रूट्स, सब क्लियर है। ऑलमोस्ट 15-16% क्वेश्चन इसी सेक्शन से पूछे जा रहे हैं हर साल, और ये भी कितना है 114 का, 4 लेक्चर्स, 1 वेब नोट्स और 117 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब 117 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, सपोज कीजिए आपने नंबर सिस्टम ना बाय किया और 421 क्वेश्चन के मालिक बन गए एक साल के लिए, या जो भी वैलिडिटी है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, 421 क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, 421 क्वेश्चन को आप टेस्ट के तौर पर दे सकते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन का सेटअप बनाइए और टेस्ट देना शुरू कीजिए, और वहीं पे एनालिसिस और डिटेल सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा, क्लियर। सो दैट इज व्हाई माइक्रो कोर्सेज आर सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर है इसमें सारे, ठीक है।
और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जैसे लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिक एबिलिटी आपकी, ठीक है, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, सब का ऐसे ही दिया हो। देखो इंग्लिश का कितना मज़ेदार है, सिर्फ और सिर्फ 402 रुपये में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, आता ही आता भाई, वर्ड बिल्डिंग एंटोनिम एंड सिनोनिम, ये 349 के 6 लेक्चर्स हैं और ये 53 रुपीज़ के 157 MCQs हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। प्लीज़ गो लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।